बताना तो तुम्हें पड़ेगा आदित्य, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, खुदकुशी की कोशिश क्यों की। आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम कमजोर क्यों पड़ गए, फर्श से भाग रहे थे या डर गए? फर्श से नहीं सर, अपने आप से भाग रहा था। और जिस मुश्किल में मैंने इस शहर को डाला है ना, मुझे मौत भी इतनी आसानी से नहीं आई। लेकिन जो भी शहर में हो रहा है आदिल, उसकी वजह तुम नहीं। एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था मैं, लेकिन आज पूरा शहर हिल गया। कौन आदमी, किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तान। सुल्तान? इस कहानी की शुरुआत सुल्तान से हुई थी। सुल्तान को यावल से प्यार हो गया था और वो नहीं चाहता था कि यावल की सड़कों पर दहशत फैले, इसीलिए उसकी पठान, वरदान, वर्गीस इन तीनों से मुलाकात जरूरी थी। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और तुम खुद धुएं की तरह ऊपर। बात में तो दम है तेरी, बट स्मगलर बनने का दम हर किसी में नहीं होता। नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता। और तुम जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से लेके पैर तक पापी आती है। सही गलत के तोल मोल करने वाले हम कौन होते, वो एक से छीनते तो दस में बांटते, मारते तो बचाते। मुझे ना उसके सर पे बैठना है ना उसके पैरों में गिरना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह तो है पैसा, और हाँ इसे भी जल्दी जल्दी पैसा कमाने का भूत सवार रहता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस खेल में जो पावर है ना, उसका नशा ही अलग है। तेरी जगह अगर मैं होता ना, तो इन स्मगलरों से दोस्ती क्या, दोस्ती का सोचता भी नहीं। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ। और उसके बाद? उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और हम खुद धुएं की तरह ऊपर। आदिल, तुम्हें क्राइम को रोकना ही नहीं बल्कि यावल से ख़त्म कर देना है। माफिया यावल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर उन्हें आज नहीं रोका गया तो उन्हें कभी नहीं रोक सकते। जुर्म के रास्ते कितने मखमली क्यों ना हो सर, ख़त्म जेल की कम्बल में ही होते हैं। इसे जेल तक पहुँचाना इतना आसान नहीं है। गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज़ क्यों ना हो सर, उसे रोकने के लिए एक खेल ही काफ़ी होता है। आज से यहाँ के इंचार्ज तुम हो आदिल।